శక్తి టచ్ అయిన నీ గర్దన్ గ్రౌండ్ మీద ఉంటుందిరా కాలాగా ఈ భూమి మీద నన్ను ఆపగలిగే వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే అది నేనే कहे जाने वाले रवि तेजा की बहुत ही जल्द एक और जबरदस्त फिल्म आने वाली है। इस फिल्म का नाम होने वाला है टाइगर नागेश्वर राव। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी समय पहले कर दी गई थी, लेकिन अभी भी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट कर ली जाएगी। इसके बाद ये फिल्म हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ ही दिनों में हमें फिल्म का टीजर या क्लिप्स देखने को मिल सकता है। इसके बाद साफ हो जाएगा की फिल्म में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और सुनने को मिल रहा है की ये फिल्म साउथ की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। इसमें हमें टाइगर नागेश्वर राव की लाइफ के बारे में बताया जाने वाला है। इस फिल्म में हमें साउथ के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई बड़े स्टार देखने को मिलने वाले हैं। और रवि तेजा की इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म में हमें लीड रोल में तो रवि तेजा देखने को मिलेंगे ही, और इनके साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार अनुपम खेर देखने को मिलेंगे। वही बात करें फिल्म में हीरोइन की, तो फिल्म में हमें साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस नूपुर सरन देखने को मिलने वाली है। वही बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक वामसी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। सभी लोग रवि तेजा की इस फिल्म का बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और आने वाले कुछ ही दिनों में हमें इस फिल्म का एक ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा कि फिल्म में रवि तेजा का लुक क्या होने वाला है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को 20 अक्टूबर 2023 फाइनल किया है। अगर फिल्म की शूटिंग को समय पर पूरा कर लिया गया तो ये फिल्म हमें इसी दिन देखने को जरूर मिल जाएगी, नहीं तो मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। क्योंकि इस फिल्म की रिलीज के टाइम साउथ की एक और बड़े सुपरस्टार थलापति विजय की लियो फिल्म देखने को मिलने वाली है, इसलिए इन दोनों फिल्मों का क्रैश देखने को मिल जाएगा। खैर, तो आने वाला समय बताएगा कि टाइगर नागेश्वर राव फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी। और इसी समय बॉलीवुड की एक बड़ी मूवी गणपत रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें लीड रोल में टाइगर श्रॉफ देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए ये तीनों के लिए काफी बड़ी फिल्म है और तीनों में ही क्रैश देखने को मिलेगा। आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना ये होगा कि इन तीनों में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे काट पाती है। आपको बता दें टाइगर नागेश्वर राव फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ का है, और इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया है। देखना तो ये होगा कि रवि तेजा की इस फिल्म को नॉर्थ से क्या रिस्पांस मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया टाइगर नागेश्वर राव फिल्म एक रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें हमें साउथ की एक बड़ी गैंग के बारे में बताया जाएगा जो पूरे शहर में चोरियां करती है, और उस समय इस गैंग से बड़ा कोई भी चोर नहीं था। देखना यह होगा कि फिल्म हमें क्या और देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।